नाम है। टाउइज्म के एक बहुत ही महान संत हुए हैं टाउ टी चिंग। वो बहुत पते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल ब्रीद थ्रू देयर लंग्स, ब्रीद थ्रू देयर चेस्ट, बट ट्रू पीपल ब्रीद फ्रॉम डीप विद इन देमसेल्व्स। कि जो सच्चे साधक होते हैं, जिन्होंने पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाई है, वो लोग, वो साधक गण कभी भी ऐसा नहीं है कि लंग्स और चेस्ट में जो आती जाती सांसें हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड स्थूल सांस है, उससे नहीं जुड़ते हैं। वो अपने प्राणों के अंदर जो एक सूक्ष्म प्राण छुपा है, उस प्राण से जुड़कर सांस लेते हैं। बहुत गहरी बात टाओ टी चिंग कहते हैं। अब यहाँ एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठता है भाइयों बहनों, वो ये कि ये जो प्राणों के अंदर सूक्ष्म प्राण है, ये जो सूक्ष्म श्वास है, आदि नाम सतनाम, ये प्रकट कैसे होता है, इसका अनुभव कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। अब यहाँ रोल आता है एक पूर्ण गुरु का, एक सतगुरु का। सृष्टि की और कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस नाम को, इस प्रोसेस को हमारे लिए प्रकट कर सके। जब एक पूर्ण सदगुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो उस समय वो इस आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। लेकिन इसी समय एक और अलौकिक घटना आपके अंतर में घटती है। क्या? कि आपके जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसमें एक बड़ी सूक्ष्म दिव्य नाड़ी है, जिसे कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। जिस समय गुरुदेव ज्ञान दीक्षा देते हैं, तो उस समय इस सुषुम्ना का रास्ता भी वो खोल देते हैं उसी समय। तो जो सांस, स्थूल सांस अभी तक हमारी ईड़ा मतलब लेफ्ट चैनल और पिंगला मतलब राइट चैनल, इसी से ऊपर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये ऊपर नीचे जो ट्रेवल करती थी सांसें, हम लेते थे लेफ्ट और राइट चैनल से। लेकिन अब हमारी सांसों को, प्राणों को एक रास्ता, बीच का रास्ता, सुषुम्ना का रास्ता भी मिल जाता है ऊपर नीचे जाने के लिए। उपनिषद में कहा गया, एक ऋषि कहते हैं, प्राणोयम सुषुम्नाम व्रजति स्वतः। वो कहते हैं कि ज्ञान दीक्षा के समय हमारे जो प्राण है, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। स्थान छोड़ देते हैं, कौन सा स्थान? जो उनका स्थान ईड़ा और पिंगला का स्थान है, लेफ्ट और राइट चैनल का, वो स्थान छोड़ देते हैं और सुषुम्नाम व्रजति, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसमें ऊपर नीचे प्रवेश कर जाते हैं और उसमें ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं। और जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं, तब यही सुषुम्ना नाड़ी, देखिए नाड़ी बहुत दिव्य चैनल है, यहीं पर हमारे श्वासों का सूक्ष्म रूप प्रकट होता है, प्राणों का बहुत सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। और ऐसे में आपने देखा होगा, देखिए जो बहुत ही अनुभवी साधक है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद ईमानदारी से सुमिरन का अभ्यास किया है, उनका यह अनुभव रहता है कि वो एक स्थूल सांस पर, ग्रॉस सांस पर, भारी भरकम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाली सांस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। वो अपनी सुषुम्ना में जो ट्रेवल करती एक बड़ी सूक्ष्म सी प्राण की तरंग है, एक बड़ी सांसों की एक बड़ी महीन सी बारीक सी डोरी है, उस पर वो ध्यान लगा पा रहे हैं। और ये होता है भाइयों बहनों सत्य नाम का सुमिरन, जिसके लिए कबीर दास जी कह रहे हैं सत्य नाम पर का गाया। और यही जो डीप मैसेज है, ये महान प्रेरणा हमें इजिप्ट के खंडरों से भी मिलती है। इजिप्ट में ऐसे बहुत से पुरातन मंदिर हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें ट्रिप्टिक टेम्पल्स कहा जाता है। ट्रिप्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रवेश करने के लिए तीन रास्ते बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो दायां और बायां रास्ता है, लेफ्ट और राइट, ये दोनों रास्ते जो है ये छोटे है, और इन्हें ये बेसिकली ईड़ा और पिंगला, हमारी लेफ्ट और राइट जो नाड़ियां हैं, उनको सिंबलाइज कर रहे हैं। और ये जो बीच का रास्ता है, सेंट्रल रास्ता, ये सुषुम्ना चैनल को सिंबलाइज करता है। ये जो बीच का रास्ता है, ये हर मंदिर में, हर ट्रिप्टिक टेम्पल में बहुत चौड़ा ब्रॉड बनाया जाता था, एक राजमार्ग की तरह समाज का आवाहन करता था कि मुझसे गुजरो। तो बेसिकली ये जो ट्रिप्टिक टेम्पल्स होते थे, ये थर्ड आई अवेकनिंग सेंटर्स हुआ करते थे उस समय। और ये अपने ट्रिप्टिक स्ट्रक्चर से, अपने तीन रास्तों वाले स्ट्रक्चर से समाज को एक संदेश देते थे कि आप दाएं और बाएं इन मार्गों से मत गुजरो, आप स्थूल सांसों तक मत सीमित रहो, मतलब ईड़ा पिंगला तक सीमित मत रहो। लेट योर प्राणी कॉन्शियसनेस एंटर थ्रू दी सेंट्रल पैसेज ऑफ सुषुम्ना।
अपने प्राण को सुषुम्ना के मध्य मार्ग से गुजारो और आदि नाम का सत्य नाम का सुमिरन करो। ये महान संदेश हमें इनसे मिलता था। सो ये भाइयों बहनों, ये पहली अनुभूति है आदि नाम का सुमिरन जो सदगुरु हमारे लिए प्रकट करते हैं हमारे अंतर जगत में। दूसरी